तो उम्मीद है बस के आपका गुंचे दिल खुशियों से शराब और आपकी तबीयत पे ठीक होगी। दोस्तों रैंडमली फनी एंड स्टूपिड वीडियोस के 62 एपिसोड में आज फिर हम कोई 2-4 नहीं 15-20 रैंडम फनी स्टूपिड वायरल वीडियोस देखेंगे। तो इंतजार किस बात का, आज की एंटरटेनमेंट शुरू की जाए। जितनी आप प्यारे हैं माशाल्लाह, आप जितना प्यारा हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सीधी बात, नो बकवास, सिंपल। अब वो सोच रहे मैं कैसे मेकअप करूँ, मैं आम आदमी हूँ, टिकटॉक का आदमी नहीं। मतलब के प्यार चार तो नहीं करती? नहीं नहीं, किसी से प्यार नहीं करती। अगर मैं आपके घर अगर बिलफर्ज अपनी अम्मी का रिश्ता भेजूँ तो एक्सेप्टेबल कर लेंगी? अब है अपनी अम्मी का कुर्ता पहन के ठुमके लगाने वाली अम्मी का रिश्ता, भेज दो। वैसे ये बात तुम्हें उस लड़की के अब्बू से पूछनी चाहिए थी। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। क्या क्या कर रहे हैं आजकल के ये सोशल मीडिया के लौंडे। खैर, लोग अपनी माओ बहनों बीवियों की नुमाइश कर सकते हैं तो अपनी अम्मियों के रिश्ते भी भेज सकते हैं, इसमें क्या। रबीका का साबला मुँह पे 2-2 इंच मेकअप थोप के स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। मैंने आपको रमजान शुरू होते ही क्या कहा था, ये 1 महीना बस ऐसे देख लो, चांद रात को इसका मुजरा ना आया तो कहना क्या। अभी तो ये सहरियां अफतारियां पराठे शराठे हजाब ट्यूटोरियल बना रही है, चांद रात को ये मुजरा ट्यूटोरियल बनाएगी। और मजे की बात, ये सब रमजान के बाद नहीं, रमजान के अंदर ही हो रहा था। घटिया प्रोडक्ट, सेम तेरे जैसी। चाइना का माल लेके अपनी ब्रांडिंग करने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। और जरा इसको देखो, ये क्या बबनी हुई है, मुझे नहीं पता करना। 9 किलो मेकअप और 1 दर्जन फिल्टर लगा के बारबी बनने की नाकाम कोशिश। शादी करने के बाद अक्सर लोग समझदार हो जाते हैं लेकिन ये सेलिब्रिटीज पागल हो जाते हैं। ओह माय गॉड। और लगे यार दोस्तों, जरा इनको भी मुबारकबाद दे दो, इनके घर कंटेंट पैदा हुआ है। सोचो जरा, बच्चा होने तक इन्होंने सैकड़ों फंक्शन कर दिए हैं, तो बच्चा होने के बाद फर्स्ट टाइम आंख खोली, फर्स्ट टाइम डायपर पहना, फर्स्ट टाइम टट्टी की, फर्स्ट टाइम मुंह खोला। अब बस देखते जाना, उस मां सफदर की तरह इनका बच्चा भी हर अगले दिन कुछ ना कुछ नया करेगा जो आज तक किसी कौम के किसी बच्चे ने नहीं किया। इसने किया क्या है? लगता है इसने पैरों पे लैंड होना था लेकिन भूल गया, छाती पे लैंड हो गया। भारी मिस्टेक हो गया, शियारू बन रहा था लेकिन लाश बन गया। अब छाती पे हाथ रख के कह रहे मेरा छाती फोड़ा। सच बताओ, मोहल्ले के लड़कों ने पैसे जमा करके इमाम मस्जिद को नई बाइक तोहफे में दे दी। वाह क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। अदनान सिद्दीकी का कहना है कि खवातीन और मक्खियों की मिसाल एक जैसी है, जितना उनके पीछे भागो दूर भागती है और जब छोड़ दो तो खुद आके बैठ जाती है। बुरा नहीं मानिएगा, जितनी भी खवातीन है ये अल्लाह खैर करे रमजान है, मक्खी और खवातीन की मिसाल एक जैसी। अल्लाह ये कैसे वायरल कराएंगे मुझे फिर। आप जितना रहम करें, जितना खवातीन के पीछे भागेंगे उतना दूर भागेगी आपसे, और आप जब ऐसे बैठ जाएंगे ना तो ऐसे हाथ पे आके बैठ जाएगी जैसे मक्खी बैठ गई थी। तो नीचे लड़कियों ने कमेंट्स में कहा कि मक्खियां तो गंद भी बैठती हैं। आपको क्या लगता है ये किसकी बिस्ती हुई है? जो लड़कियां इस तरह के कमेंट्स कर रही थी, मुझे बताओ कि आपने वाकई एक्सेप्ट कर लिया कि आप मक्खी हो और आप वाकई ही सिर्फ गंद को ही चूज करती हो। इसी कॉन्ट्रोवर्सी में अहमद अली बार साहब मक्खी की तस्वीर लगा के कहते हैं कि जनाब अगर मैं माइंड नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मक्खी ने माइंड नहीं किया कि मुझे क्यों खवातीन के साथ तशबीह दी, तो खवातीन क्यों माइंड रही है कि हमें क्यों मक्खी के साथ तशबीह दी। आप मक्खी मुखी वाली मिसाल छोड़ो, ये देखो भाई साहब बुड्ढे हो गए हैं लेकिन अभी भी उसी चीज में फंसे हुए हैं। लड़कियां, औरतें, यशियां, इस उम्र में इस तरह की बात यही चीज बंदे की ज़हनियत वाज़िया करती है कि पूरी जिंदगी ये सिर्फ लड़कियों के पीछे ही भाग गया। और लड़कियां भी वो कैसी होंगी इस आंटी जैसी, ये आंटी शायद कल परसों फोत हो जाए लेकिन कह रही है कि मुझे कोई आंटी ना कहे, नहीं तो क्या पापा की परी कहे, बेबी कहे, अलग बेबी काकी नन्नी मुन्नी बच्ची। मुझसे चौड़ा होना बंद कर दें, छोड़ दें इन बातों को, बॉस छोड़ दें ये बातें।
में आपकी कोई बड़ाई नहीं है, उसका रिस्क अल्लाह ने आपके वसीले से लिखा था। अपने आप को चौड़ा करना बंद कर दे। ओए, 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 लेकिन आंटी आपकी मोटिवेशनल बात का मुझ पे असर क्यों नहीं हो रहा? आपकी शक्ल भी लिखा है आप एक्टिंग कर रही हैं। आंटी ने अपने कुर्ते का डिजाइन दिखाने के लिए दुपट्टे की बुकल भी नहीं मारी, दुपट्टा ऐसे ही ऊपर से नीचे लटका दिया दिखाने के लिए रमजान ट्रांसमिशन में। चौड़ा होना बंद कर दे आंटी, फैशन करना भी बंद कर दो, अपनी नुमाइश करना भी बंद कर दो। कुछ तरीका है भीख मांगने? अब देखो ये चीजें हैं सही सरेआम निकलने वाली, इन्हें चाहिए कि अपने खुटो छुटो में ही रहा करें। अगर आप सड़कों पे इस तरह की चीजें देखें तो अगर बाइक पे हैं तो ठोक दें, गाड़ी पे हैं तो इन्हें फेंक दो, अगर पैदल हो तो जाते जाते दो चार चुपेड़ा करा के जाओ, क्योंकि ये मर्दों के नाम पे पिंक कलर का धब्बा है और इनका हल यही है, इन्हें दब दो। हाय, वो है केड़ियां शैमा ने, लगते इन छपड़ियों के धूप में बाल सड़ गए हैं। इन पापा की चुड़ैलों को पता नहीं कौन गलत फहमी डाल देता है कि बाल डाई करके ये बारबी डॉल लगेंगी। ऊपर से इंग्लिश सॉन्ग गा के शारू बन रही है कि लोग कहेंगे वाओ कितनी टैलेंटेड लड़कियां हैं, इनको फेमस कर दो। मेरा दिमाग खराब मत कर। वैसे कोई पता भी नहीं, पाकिस्तान में इसी तरह की एड में फेमस हो के सेलिब्रिटी बन जाती है। बात सही है। वीडियो नहीं बना रहे, रील बना रहे हैं, बहुत फर्क है। बेचारा पल्स वाला एक्सपोज हो गया, लेकिन मजे की बात ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो चुकी है, इसका मतलब पुलिस वाले ने कहा होगा वीडियो नहीं बना रहे रील बना रहे। अच्छा ठीक है, वीडियो ना बनाना, रील बना लो। ओके, अब ये देखिए ना, अब शमीज अटैच होगी ना मेरी बहन, बाजू के साथ नीचे इसकी लाइनिंग करेंगे, ठीक हो गया मेरी बहन? और नीचे इसकी मैक्सिमम डबल यूज में आ जाए। बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। वाओ, ये दुकानदारी की मोटिवेशन चाहिए, ग्राहक को पूरी तसल्ली हुई है। मुझे बस यही डर लग रहा था कि जिस तरह शोखियां लड़कियां वीडियो में लहंगा पाके घूमती है ना, कहीं ये भी घूम के ना दिखा दे कि बाजी जरा देखो मैं जरा घुमा के भी चेक करा देता हूँ। हेलो, हर बंदा ही चोर है, हाफ ग्लास लेके चोरी चोरी फुल ग्लास कर लिया। आपको क्या लगता है इसको हजम हो जाएगा? क्यों नहीं। बैगन, वो गाय भी सोच रहा है कि जानवर तो मैं हूँ, हरकतें इसकी हैं। पता नहीं क्या सूझा था इसको जो इस तरह की हरकतें करके अपना कान सुझा लिया। मैं एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट था, मैंने कहा पप्पो आप मुझे देखने क्यों नहीं, पप्पो क्या करी, हमें किसी ने बुलाया। खैर यार दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही था, उम्मीद है बस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो यार लाइक 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 करना मत भूलें, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाएं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।